सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर मिनी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन है, रामनवमी का आज फर्स्ट डे है। तो फ्रेंड्स, आज घर में देखिए क्या बना है, जस्ट एक स्मॉल छोटा सा लुक है। ये देखिए, ये रतालू है, इसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ये स्वीट पोटैटो है। ये देखिए, इसे पानी में जस्ट उबाला है, नो नमक, नो हल्दी एंड ऑल, नथिंग, कुछ नहीं है। जस्ट इसे उबाल के ये थोड़ा सा जल गया पानी, पानी मतलब सोख लिया, मैंने कम पानी डाला था तो कम पानी डालने की वजह से ये सोख लिया, थोड़ा सा स्किन थोड़ा ये हो गया, ब्लैक हो गया। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए बच्चों के लिए क्या बन रहा है। तो ये बच्चों का तो व्रत नहीं है, तो इसमें देखो ब्रोकली डाला है, ब्रोकली एंड ग्रीन पीस है। और ये देखो चॉपर में अभी कैरेट चला गया है, इसे चॉप करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉपर में अभी कैरेट गया है, इसे फटाफट से चॉप कर लेते हैं। ये हो गया अपना कैरेट चॉप। तो फ्रेंड्स, चॉपर का एक ही फ़ायदा है कि जो वेजिटेबल्स है ना, एकदम बारीक हो जाते हैं और फिर उसे खाने में बहुत ईजी पड़ता है, बच्चों को ईजिली खा लेते हैं। क्योंकि अगर बड़ा बड़ा पीस आया, अगर कोई भी वेजिटेबल का पीस आया तो वो लोग फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, सीधा वॉमिट कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। ये फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें तेल डाला है, जीरा डाला है और वेजीज है इसके अंदर, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर देखिए रेडी है, फिर इसे ये राइस एंड दाल है। तो मैंने राइस एंड दाल को तीन बार वॉश कर लिया था, तीन बार मैंने अच्छे से धो लिया, वॉश कर लिया, उसका पानी मैंने निकाल दिया एंड देन मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो विसल आने तक हम वेट करेंगे, सॉरी उबाल आने तक हम वेट करेंगे एंड देन मैं विसल लगाऊंगी। सो इट्स वेरी सिंपल। ये डाल के हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए और देन पानी डाल देंगे हम। थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे, ये गया हल्दी थोड़ा सा इसके अंदर, और ये थोड़ा सा नमक गया, थोड़ा सा नमक, यस। और अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर हमारा दाल एंड राइस डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब चला गया है। अभी इसे जस्ट ऐसे ही हिलाएंगे और देन हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। वाओ, सो नाइस, कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल कलर, ग्रीन येलो एंड ऑल, ऑल वेजीज आर देयर, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वेजीज खिलाना बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, और बच्चे ऐसे वेजिटेबल खाते नहीं हैं तो हम खिचड़ी में डाल के खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज व्रत है और आज स्वीट पोटैटो खाएंगे। ये देखिए स्वीट पोटैटो, जो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, पानी में से थोड़ा जल गया, थोड़ा पानी मैंने कम डाला था क्योंकि जल्दी से उबल जाता है, ये फटाफट उबल जाता है, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ही पानी डाला था। ठीक है, इट्स ओके, गलतियाँ होती रहती है, क्या करें। और खिचड़ी बन रहा है तो गैस फास्ट कर देते हैं हम, गैस फास्ट हो गया। और उबाल आने तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे, उबाल आने के बाद ही मैं कवर करती हूँ, क्योंकि जब उबाल आता है तो उसका फ्लेवर निकल के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देन मैं उसे कवर करती हूँ, विसल लगाती हूँ, ऐसे ही पानी डाल के मैं डायरेक्टली कवर नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले उबाल आने देती हूँ, सब वेजिटेबल्स का सब फ्लेवर आ जाएगा वाटर के अंदर, सब जो उबाल आ जाएगा, देन मैं कवर लगाती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से खिल के आता है। तो ऐसा मैं करती हूँ। अभी हम इसे कवर कर देंगे और कुक होने देंगे। और इट्स वेरी सिंपल, जस्ट हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल के अंदर जीरा डाला है और वेजीज है, कैरेट, ब्रोकली एंड पीस, दैट्स इट। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, पहला व्रत है रामनवमी का। तो सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने भी व्रत रखा है, सभी को कहना चाहती हूँ कि अपने सेहत का ध्यान दीजिए, सेहत का ख्याल रखिए और फ्रूट जूस
सब जो भी है खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।